बिहार के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में आज पुलिस ने चार आरोपियों को, जिनमें सबसे प्रमुख आरोपी सुधीर दास, एडवोकेट विवेक तिवारी, योगेश अग्रवाल और सुधीर जैन के ड्राइवर नवीन जाधव को आज पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया, जहां से सभी चारों आरोपियों को 11 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले जो तमाम आरोपी थे वो पहले ही जो है वो न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। पुलिस बाकी बचे हुए तमाम आरोपियों को तलाश कर रही है, पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर किसी आरोपी का है तो वो है सुधीर जैन, जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। सभी को इंतज़ार है कि सुधीर जैन की गिरफ्तारी कब होगी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। धार के बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में पुलिस ने आज चार प्रमुख आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। ये चार प्रमुख आरोपी जो कि अभी तक पुलिस हिरासत में चल रहे थे, उनमें सबसे प्रमुख जो है सुधीर दास, एडवोकेट विवेक तिवारी, योगेश अग्रवाल और नवीन जाधव सहित चार आरोपियों को पुलिस ने आज उनकी हिरासत खत्म होने पर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को 11 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चार प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने सभी को 11 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले सुधीर जैन, जो कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। सुधीर जैन अभी भी फरार चल रहा है और सभी को इंतज़ार है कि सुधीर जैन की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले के तार पूरी तरह से खुल पाएंगे। इसके अलावा पुलिस अन्य आरोपियों के घर भी दबिश दे रही है। जो तमाम लोग आरोपी बनाए गए हैं इस मामले में, उनके घर भी दबिश दे रही है, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अभी दो दिन पूर्व ही पुलिस ने एडवोकेट जावेद अंजुम के घर भी जो है वो तलाशी ली थी और वहाँ से तमाम दस्तावेज बरामद करके जो है वो लाया गया था, क्योंकि रजिस्ट्री में श्रीमती शाहीन खान, पति जावेद अंजुम के नाम पर भी रजिस्ट्री मिली थी। तो ये भी एक आरोपी माने जा रहे हैं इस पूरे मामले में। तो पुलिस इसके साथ ही तमाम आरोपियों की तलाश कर रही है।